एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आज तक इस सृष्टि पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो गोरखनाथ के बढ़ते कदमों को रोक सके। मैं तुम्हें पूर्ण चेतावनी देती हूँ गोरखनाथ, रुक जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम में साहस है तो छुप कर चेतावनी क्यों देती हो? मैं भी देखूं तुम्हारा साहस। जो डरपोक होते हैं वे छुप कर चेतावनी नहीं देते। मेरे समक्ष आओ, फिर देखते हैं कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। सावधान हो जाओ गोरखनाथ, मैं आ रही हूँ। हे काली माता, आपको गोरखनाथ का प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ, मैं तुम्हारे प्रणाम करने से तुम्हें क्षमा कर दूंगी। माता, प्रश्न क्षमा करने या ना करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूप हो महाकाली, आप मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं और पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ पंथ के योगी जब मृत्यु सामने नजर आई तो गुणगान करने लगे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ, अब मेरा ये क्रोध तुम्हारे प्राण लेकर ही शांत होगा। हे माता काली, आप मुझ पर इस तरह से क्रोधित क्यों हो रही हो? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो गोरखनाथ। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यह मेरा क्षेत्र है? जो कोई मेरे क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे एक इंसान की बलि देकर मुझे प्रसन्न करना पड़ता है। जो कोई ऐसा नहीं करता मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करकर खुद ही बलि ले लेती हूँ। हे माता, आपका इस तरह निर्दोष प्राणियों की बलि लेना ठीक नहीं है। और वैसे भी हम संतों पर आपके ये नियम लागू नहीं होते। मुझे ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है गोरखनाथ। किस पर क्या नियम लागू होते हैं ये सोचना हमारा काम है, क्योंकि इस समय तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में खड़े हो। मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर प्रदान करती हूँ गोरखनाथ। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत एक शिष्य की भेंट दो ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। नहीं माता, नहीं। अपने शिष्य और भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं स्वयं के प्राणों के लिए किसी शिष्य की बलि नहीं दूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। गोरखनाथ, लगता है तुम्हारा अपने प्राणों से मोह भंग हो चुका है, तभी तो निर्भय होकर मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैंने बड़े बड़े राक्षसों का धड़ से सिर अलग करके खून पिया है गोरखनाथ। सृष्टि में देव दानव मानव किसी में इतना साहस नहीं जो मेरा सामना कर सके, और तुम तो एक मामूली से योगी हो गोरखनाथ। माता, लगता है आपका सामना किसी धुनी रमाने वाले बाबा से नहीं हुआ है, अन्यथा आपको उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात होता। हम ऋषि सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं,
भगवान से शक्ति प्रदान होती है। हम जग कल्याण करते हैं तो ये संसार चलता है और स्वयं ब्रह्मा के लिखे लेख को पल क्षण में बदल सकते हैं, और हमारे लिखे लेख को संसार में कोई नहीं बदल सकता। माता, आज ये धुरी रमाने वाला गोरखनाथ धरती आकाश पाताल चारों दिशाओं को साक्षी मानकर और आपको खुले शब्दों में चेतावनी देता है कि आपके मन में जो आए कीजिए। आज हम भी तो देखें हमारी योग शक्ति जीतती है या आपका अभिमान जीतता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ। Thank you.
इसी अवतारी गोरखनाथ मुझे बाहर निकालो, मैं इस अग्नि में भयंकर रूप से जल रही हूँ, मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है, मुझे बाहर निकालो योगीराज, मैं हार गई। हे नासिरोमणि, तुम विजय हो गए, कृपा करके मुझे बाहर निकालो। क्यों माता, आप तो चंडी रूप हो, इस सृष्टि में आपका सामना कोई नहीं कर सकता। हम तो मामूली से धूनी रमाने वाले बाबा हैं, अब लीजिए ना हमारी भेंट। हे नाथ शिरोमणि, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्तियों को जान नहीं सकी, मैंने अपनी शक्तियों के अभिमान में जाने आपको क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा करें योगीराज। आप में साक्षात भोलेनाथ का तेज है, अपनी योग शक्ति समेट कर मुझे इस अग्नि से बाहर निकालिए। योगीराज, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। नहीं माता, मैं आपको बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए आपको तीन वचन मुझे देने पड़ेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ। हे महायोगी, आप मुझसे कोई भी वचन ले सकते हो, मुझसे हर वचन स्वीकार सकते हो, लेकिन मैं इस भयंकर अग्नि में और पीड़ा सहन नहीं कर सकती। यथा शीघ्र बताइए योगीनाथ, तीन वचन कौन कौन से हैं? माता, पहला वचन तो आप मुझे ये दो, आप अपने मंदिर में भेंट स्वरूप किसी इंसान की बलि नहीं लोगे, और जो भी व्यक्ति आपके दरबार में मन्नत लेकर आएगा, आप उसके साथ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करोगी। और तीसरा वचन ये है, आप किसी साधु का अनादर नहीं करोगी, बल्कि उनके लिए आपके मन में उचित मान सम्मान होगा। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, किसी योगी का अपमान करने से बड़ा पाप लगता है। हे नाथ शिरोमणि, मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी इंसान की बलि नहीं लूंगी। मेरे मंदिर में जो भक्त श्रद्धा से आएगा, जो भी भेंट या चढ़ावा चढ़ाएगा, वो ही मुझे स्वीकार होगा, और ना ही मैं कभी किसी साधु का अपमान करूंगी, भूल कर भी। मेरे हृदय में सदा उनके लिए आदर और सम्मान रहेगा। हे योगीराज, मुझे आपके तीनों वचन स्वीकार हैं, अब मुझे कृपया इस भयंकर अग्नि से बाहर निकालिए। ठीक है माता, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। माता, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे। काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे। काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। ये नर चोला हमने जैसा भी पाया है, नाथों के नाथ मेरे भोले जी की माया है। कोई देवी देवता कोई यहाँ इंसान बना, किसी का हृदय खाली है किसी को यहाँ ज्ञान बना। छोटा ना बड़ा कोई सभी एक समान है, शक्तिशाली मत समझो यही तो ज्ञान है। यहाँ ऊंच नीच दोनों साथ रहे, यहाँ ऊंच नीच दोनों साथ रहे। काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे।
काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। बलि नहीं लेना तू, जैसी जिनकी मन्नत है वैसा फल देना तू, जैसी जिसकी इच्छा है वैसी भेंट चढ़ाता है, श्रद्धा लेकर ही कोई तेरे मंदिर में आता है, सच्ची भक्ति ही सदा आधार बनती है, ध्यान रखना बातों का कर चित से तू सुनती है, कोई दीन हीन नहीं ज्ञात रहे, कोई दीन हीन नहीं ज्ञात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। योगी का नहीं अपमान हो, देवी देवता चाहते हैं जग का कल्याण हो, युद्ध में तो हार जीत लगी ही रहती है, घमंड कभी मत करो नीति यही कहती है, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझाना है, कहना था जो कह दिया अब मुझे जाना है, खिले मन के कमल दिन रात रहे, हो खिले मन के कमल दिन रात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। हे शिव अवतारी गोरखनाथ, आपने मेरा अभिमान तोड़कर मुझे नई राह दिखाई है, उससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज मुझे एहसास हुआ है कि कोई भी देवी देवता अपने आप को शक्तिशाली ना समझे, क्योंकि उससे भी बड़ा इस सृष्टि में कोई ना कोई अवश्य होता है। हे माता, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं ताकि हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सके। जो आज्ञा नाथ जी। काली लट्टी खोल बनी है मैया महाकाली, काली लट्टी खोल बनी है मैया महाकाली, खप्पर लेके हाथ बनी है मैया खप्पर वाली, खप्पर लेके हाथ बनी है मैया खप्पर वाली, नर मुंडन की माला है डाली, दुष्टों का मर्दन करने वाली, दुष्टों का मर्दन करने वाली।